तो प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी बीजेपी नेताओं ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी कमर कसनी भी शुरू कर दी है। एक और जहां सीएम खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं नेता भी लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करने में जुट गए हैं। चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी ने कमर कस ली है। एक ओर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी लोगों के बीच जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि प्रदेश में सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और न ही बीजेपी को किसी गठबंधन की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है हरियाणा में, हमको आवश्यकता। अनिल जैन ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के साथ हरियाणा में सीटों के सवाल पर अनिल जैन ने कहा कि अकाली दल हमारा साथी है। अनिल जैन ने यह भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों को किसी शर्त पर शामिल नहीं किया गया है। चुनाव में जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसे पार्टी टिकट देगी, चाहे वो कोई नया कार्यकर्ता हो या फिर पुराना। अकाली हमारे स्वाभाविक साथी हैं, वो गठबंधन हरियाणा में गठबंधन हो या ना हो वो हमारे साथ ही रहते हैं। उन्होंने सबको कहा है, टिकट की शर्त पर कोई नहीं आया है, सब अनकंडीशनल आए हैं और हम सीट टू सीट इसका विवेचन करके जो उपयोगी लगता है, जो जीतने वाला लगता है, जो पार्टी को आगे ले जाने वाला लगता है, उसको टिकट देंगे, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना, चाहे मौजूदा विधायक भी हो चाहे मौजूदा भी हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अनिल जैन ने कहा कि हुड्डा ने चुनौती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक तंवर को दी होगी। बीजेपी के लिए हुड्डा कोई चुनौती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विरोधी थोड़े बहुत तो मजबूत हों ताकि चुनाव में लड़ने का मजा आए। पी चिदम्बरम पर अनिल जैन ने कहा कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। उन्होंने चुनौती सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अशोक तंवर के लिए की होगी। जनता में उनकी कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विपक्षी थोड़ा बहुत तो खड़े हों जिससे हमें भी लड़ने का मजा आए। लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, जिस तरह से स्वयंभू मैनिफेस्टो जारी किया है, अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार तय कर दिया है, तो ये कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस अब किस हद तक जाएगी, किस हद तक बनेगी। ये बहरहाल चुनाव के साथ ही सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लोगों के बीच जाकर वोट की अपील की जा रही है। इस बार का चुनावी घमासान देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। टोटल न्यूज़ के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।